सिर्फ डीडी नेशनल पर इंडिया का अपना चैनल। हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत कुशल भारत। मिश्रा ने तो आज अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मैं सभी बेटियों से कहूंगा कि पहचानिए अपने आप को, अपनी शक्ति को, पैदा कीजिए मन में कुछ कर गुजरने की चाह और फिर देखिए खुशियों के रास्ते कैसे अपने आप खुलते जाएंगे। 4 प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जुड़कर बेकरी और कन्फेक्शनरी में विश्व स्तर का प्रशिक्षण देता है नोएडा में स्थित एसोकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। बेकरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ जो हाथ का काम होता है और हाथ का काम बिना स्किल डेवलप किए हुए कभी नहीं आता। स्किलिंग में के साथ साथ हमारी ये थ्योरी है कि थ्योरी और साइंस को भी पढ़ाया जाए और कुछ मैनेजमेंट के जो इनपुट्स हैं वो भी बच्चों को दिए जाए जिससे वो अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस इंस्टीट्यूट के 12 बेहतरीन स्टूडेंट्स को लेकर 3 टीम्स में हम करेंगे आज की प्रतियोगिता और प्रतियोगिता को होस्ट कर रहे हैं शौर्य कपूर। आज जो हमारे यहाँ पर AIPT में जो होने जा रहा है दैट इज सुपर पेस्ट्री शेफ कॉम्पिटिशन। आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 3 टीम्स हैं, टीम सिट्रस जिसमें हैं SC पाब्लो, तेजल, फिरदौस और अनिरुद्ध। इस टीम को थीम मिली है हैं तैयार हम। टीम मोका में हैं आयान विश्वास, उज्जवल सरकार, मधुलिका अग्रवाल और निशिमा मालविया जिनकी थीम है स्किल इंडिया। टीम ट्रॉपिकल के प्रतियोगी हैं अनुभव गुप्ता, कार्तिक तनेजा, ऋतु सारस्वत और दीपिका ध्रुव। इनकी थीम है हुनरबाज। इन हुनरबाजों की कलाओं को जज करेंगे इंडस्ट्री के जाने माने शेफ्स पीटर डिमेलो, जेएन कुशवाहा और चंदन नेगी। 2 घंटे की जबरदस्त प्रतियोगिता को 2 पड़ाव में बांटा गया है। पहले पड़ाव में होगा बेकिंग यानी केक के बेस को तैयार करना, इसके लिए समय दिया गया है 1 घंटा और बाकी के 1 घंटे में इन्हें केक्स की लेयरिंग और डेकोरेशन करना होगा। पहले पड़ाव का समय शुरू होता है अब। सारी टीम्स लग गई हैं अपने बेस बनाने की प्रक्रिया में। कहीं बटर और शुगर से की जा रही है क्रीम तैयार तो कहीं बनाया जा रहा है चॉकलेट स्पंज। ये देखिए लेमन के छिलके का इस्तेमाल किस तरह से होता है केक में। ये बनाया जा रहा है लेमन से एसेंशियल ऑयल जो केक को एक अलग ही फ्लेवर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी टीम मेजरिंग में बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है बिकॉज कि अगर हम लोग मेजर नहीं करें कुछ कम ज्यादा हो गया तो आपका केक या फिर ब्रेड खराब हो सकता है। अरे ये फट गई, जल्दी देखिए। ये देखिए अगर मधुलिका ने शौर्य की बात ध्यान से सुनी होती तो ये गड़बड़ नहीं होती। लगता है नए बटर पेपर के आने से अब टीम मोका की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई है, पर दूसरी टीम का क्या हाल है? आप लोग नहीं जीत पाओगे तो कंफर्म है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा केक अभी रखा है, 5 मिनट हुए, हमें 10 मिनट हो गए केक को रखे हुए। यहाँ तो लगता है टीम ट्रॉपिकल और टीम मोका के बीच कुछ तकरार चल रही है। लगता है ये जीतने का मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते, लेकिन शौर्य को टीम मोका की एक बात पसंद नहीं आई। उज्जवल अगर आप देखो दोनों टेबल्स को, बाकी आप अपने पीछे और आगे भी, तो उनकी टेबल बहुत साफ दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन आपकी टेबल कहीं पर बटर पड़ा हुआ है, कहीं पर शॉर्ट नहीं है, कहीं पर चॉकलेट है। जी यार एक्चुअली हम ज्यादा काम में इन्वॉल्व हो गए तो हम ज्यादा उस पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। अरे भाई साफ सफाई भी केक पर ध्यान देने जितना ही जरूरी काम है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये लीजिए। बातों बातों में टीम सिट्रस का बेस बेक भी हो चुका है और टीम मोका को हो गई है टेंशन। ये 10 मिनट हम लोग के कैसे पास होंगे, ये तो एकदम सबसे लाइफ का मुश्किल पल लग रहा है क्योंकि दोनों टीम का केक रिस्पॉन्स रेडी है, हमारा नहीं है।
तो केक ठंडा हो चुका है अब? जी बिल्कुल ठंडा हो गया, अब हम इसे लेयरिंग के लिए जा रहे हैं। ओके गो फास्ट, टाइम बहुत कम बचा है। यहाँ टीम सिट्रस का सब कुछ टाइम पर और सही चल रहा है, वहीं टीम मोका की मुश्किलें हैं कि कम ही नहीं हो रही हैं। देखना ये क्या हो गया। कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा और ठंडा होने से ढंग से कट जाएगा। पहले मार्किंग कर लेते हैं ऐसे गोल गोल करके, उसके बाद प्रेशर देते हैं ताकि ऊपर का क्रस्ट टूटे नहीं। ठीक है, वेल डन, नो प्रॉब्लम। 20 मिनट ही बचे हैं, हमारी लेयरिंग शायद खत्म हो जाएगी ना अनदर 10 मिनट्स, तो हम काफी टाइम से चल रहे हैं। भाई टीम सिट्रस और मोका तो बराबरी पर आ गए हैं, पर ये ट्रॉपिकल टीम कहाँ गायब है, इनका माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीम वन उनका कुछ आता पता है नहीं, उनका पता नहीं मुझे क्या चल रहा है, बिकॉज वो अपने स्टेशन पर ही नहीं है। अरे आप अभी तक अवन के पास ही खड़े हैं और वहाँ सब आपसे आगे निकल गए हैं, आपको लेट नहीं हो रहा? नेहा लेट तो हो गया है, बट हमारा केक एकदम रेडी है, इसका ठंडा होने कूल हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उसकी आइसिंग करेंगे, कट भी सिर्फ स्लाइस करके इसकी लेयरिंग करेंगे। लास्ट 10 सेकंड्स लेफ्ट, प्लीज डू योर वर्क फास्ट एंड अपनी टीम को हैंड ओवर करिए जल्दी। 5 4 3 2 1 ओके स्टॉप। ये लीजिए, टास्क का पहला पड़ाव यहीं होता है खत्म, और अब हर टीम के 2 अलग मेंबर्स टास्क को बढ़ाएंगे आगे। केक की लेयरिंग और डेकोरेटिंग वो प्रक्रिया है जहां इस्तेमाल होता है आपका इमेजिनेशन, सुंदर तरीके से सजाने की कला और धैर्य। अभी हम लोग केक लेयरिंग करने वाले हैं, उसके बाद हमारा डेकोरेशन का प्लान है। हमारा फर्स्ट लेयर हो चुका है, सेकंड लेयर के लिए मैं स्पॉन्ज रेडी कर रही हूं, जिसमें मैं इसको डेंस कर रही हूं। Everyone, just 45 minutes left. Make sure आप लोगों के सारे केक सब लेयर हो चुके हैं, डेकोरेशन पार्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। हरी अप। भाई गलती किसी से भी हो सकती है, अब तक टीम सिट्रस सब कुछ सही कर रही थी, पर लेयरिंग के काम में लगता है उनसे थोड़ी चूक हो गई। कॉम्पिटिशन में एक टाइम ऐसा आया जब हमें रियलाइज हुआ कि केक एक साइड गिर रही थी, इतना है इसमें, इतना कम है, तो इसमें जस्ट पुट अ थिन स्ट्रिप, बिकॉज़ सी फॉलिंग पार्ट इज ओनली एट द कॉर्नर। लगता है सिट्रस टीम की कैप्टन तेजल का अनुभव काम आ गया और अब टीम सिट्रस का केक ठीक हो गया है। केक रेस्क्यू हो चुका है, अब चारों साइड से इक्वल हो चुका है। ये देखिए, ये है 2-tier केक, पर इस छोटे केक को बड़े केक के ऊपर उठा के रखना केक खाने जितना आसान नहीं है। अभी हम अपने डेकोरेशन पार्ट पे आ चुके हैं एंड हम लोग अपने, सिंस हमारा थीम इज स्किल इंडिया, सो हम लोग उसको थीम को फॉलो करते हुए वी आर मेकिंग सम टूल्स। आप देख सकते हैं हमने एक रेंच बनाई है स्किल इंडिया के लोगो में, देयर इज अ रेंच ऑन अ पेंसिल। सारी टीम्स अपनी अपनी थीम के मुताबिक अब डेकोरेशन के जरिए अपने अपने केक को फाइनल टच दे रही हैं। पर अब टाइम रह गया है बस 3 मिनट्स। तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, टीम हरी अप, 5 4 3 2 1 ओके। अब केक्स की जजिंग होगी। आज का प्रोडक्ट हम 3 पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करेंगे, एक होगी सूरत, सीरत और स्वाद। बेस्ट पार्ट इज द चॉकलेट नेटिंग व्हिच इज डन ऑन द साइड, इट्स गिविंग आउट दैट नाइस रिच लुक टू द केक। प्रेजेंटेशन और थीम बहुत बढ़िया है, टेस्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इट्स रियली नाइस टू सी ऑल दिस स्मॉल इमेजिनेशन कमिंग आउट अलाइव ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ केक। मेरे हाथों में रिजल्ट्स आ चुके हैं, सब लोग बहुत नर्वस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत एक्साइटेड भी हैं। सो सबसे पहले मैं मिस्टर जैन कुशवाहा को सामने बुलाना चाहूंगा एंड उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेकेंड रनर अप प्राइज देंगे। So, second runner up is Team Tropical. Okay.
हमारी रनर अप टीम है टीम मोका। एंड देन लास्ट एंड विनर टीम टीम सिट्रस। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख उड़ के तैयार हम। हमारा थीम था है तैयार हम, और फाइनली हमने प्रूव कर दिया है कि हम दुनिया जीतने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 0880055555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। Tum tum da na 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 de na, tum tum da na 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 de na.